हाय गाइस, आज की वीडियो होने वाली है स्किन केयर वीडियो। स्पेशली जब हम स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो उसमें क्लेंजर, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, ये सीटीएम रूटीन फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है उसमें वो क्लेंजर होता है। सो क्लेंजर हम अपनी स्किन के टाइप से हमें चूज करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लेंजर और फेस वॉश, जो कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आज फोर क्लेंजर्स आप लोगों को रिकमेंड करूँगी फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स। सो चलिए आज की वीडियो यही शुरू करते हैं। विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हमारे फेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्ने होता है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो ऐसे एक्ने प्रोन स्किन के लिए मैं जो पहला क्लेंजर रेकमेंड करूंगी वो है दिस वन। दिस इज जस्ट हर्ब्स स्किन केयर फेस क्लेंजर। दिस इज टी ट्री प्लस मिंट एंटी एक्ने फोमिंग फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है ये इसमें टी ट्री और मिंट है, और टी ट्री और मिंट आप जानते हो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो आपके चेहरे पे जो भी एक्ने होता है, पिंपल्स होता है, उसे ये रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल होता है। आई रियली लव दिस जस्ट हर्ब्स ब्रांड। इसके मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो मैंने जस्ट हर्ब्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को रेकमेंड किए हैं। जस्ट हर्ब्स इज अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड। इट इज पैराबेन फ्री एंड SLS फ्री ब्रांड। इट्स अ कंप्लीट वीगन प्रोडक्ट। इसकी जो पैकेजिंग है आप देखोगे तो बहुत ही प्रोफेशनल और हर्बल काइंड ऑफ फील देता है, और जस्ट हर्ब्स नाम ही आपको सजेस्ट करा है दिस इज नेचुरल प्रोडक्ट। तो जो फॉर्मूला है आपके चेहरे को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। ये जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, ब्रश एप्लीकेटर के साथ आता है। यहाँ पे ब्रश मिल जाएगा आपको। आपके चेहरे पे जो भी फाइन लाइंस होते हैं और रिंकल्स आते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, उसे ये रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल होता है। बिकॉज ऑफ एक्ने जो भी इरिटेटेड स्किन होती है उसे ये सूद करता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक फोमिंग ब्रश है। यहाँ पे आप प्रेस करोगे और यहाँ पे आपको फोम आ जाता है। उसे आप चेहरे पे हल्के हाथों से उसे आपको अप्लाई करना है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो आपके जो एक्ने और पिम्पल्स है उसमें आपको उसमें वो आपको हर्ट कर सकता है। तो जो भी डेड स्किन होता है या फिर जो भी डल स्किन होता है वो भी निकल जाता है अच्छे से इस ब्रश की वजह से। इसमें 100% हर्बल एक्टिव्स है। मैं इसे ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए सजेस्ट करूंगी, पर स्पेशली एक्ने एंड पिंपल प्रोन स्किन के लिए दिस इज रियली गुड। एक्ने प्रोन स्किन के बाद हमारे जो स्किन टाइप आती है ऑयली स्किन आती है, जो कि बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। ऑयली स्किन में ज्यादातर आप देखोगे तो एक्ने और पिंपल आ ही जाते हैं। सो मैं ऑयली स्किन के लिए ये वाला फेस वॉश आपको रेकमेंड करूंगी। दिस इज पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड फॉर्मिंग फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड दिस इज स्पेशली मेंट फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। प्राइस भी काफी रीजनेबल है, MRP इसकी 345 है, बट आपको हमेशा डिस्काउंट में ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा। और इसमें आपको मिल जाता है, इसमें आपको 120 ml मिल जाता है। ये जो फेस वॉश है इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जो आपकी क्लॉग्ड पोर्स होते हैं ना फेस के, उसे क्लीन करता है, जिसकी वजह से जो पिंपल्स वगैरह आते हैं वो कम हो जाता है। जो आपके चेहरे पे सीबम प्रोडक्शन होता है उसे भी रेगुलेट करता है, एंड साथ ही साथ जो डेड स्किन आपके चेहरे पे है उसे भी रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसे मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये अंदर से कुछ इज अ फेस वॉश, ये भी फोम की तरह निकलेगा। जब आप यहाँ से ऐसा प्रेस करोगे इस टाइप से फोम की तरह निकलता है, आप देख सकते हो। इसका स्मेल बहुत ही आयुर्वेदिक सा स्मेल है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो एक्ने को प्रोड्यूस होने से रोकता है, साथ ही साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो आपके क्लॉग्ड पोर्स है उसे क्लीन करता है, एंड साथ ही साथ ये फेस वॉश आपके स्किन के सीबम प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। वॉश आपके चेहरे को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, एंड साथ ही साथ एक्सफोलिएट भी करता है, एंड उससे जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाते हैं। सो ये फेस वॉश मैं डेफिनेटली ऑयली स्किन वालों को रेकमेंड करूंगी। सो जो नेक्स्ट फेस वॉश है दैट आई रेकमेंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में आप देखोगे जैसे धूप वगैरह में आप जाते हो तो आपकी स्किन डल हो जाती है, एंड स्किन में अनइवन टोन हो जाता है। तो ये जो फेस वॉश है मैं उसके लिए आपको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि ये फेस वॉश आपके चेहरे को ब्राइटन करने में काफी हेल्पफुल होता है। दिस इज गुआवा ग्लो जूसी क्लेंजर फ्रॉम प्लेक्स, और ये जो है एक फ्रूट बेस्ड फेस वॉश है, और इसमें आपको वाइटामिन सी, ALA प्रो, वाइटामिन B5 भी मिल जाता है। ये आपके चेहरे को इंस्टेंटली ब्राइट कर देता है। गाइस, आपके चेहरा जो भी आपका चेहरा डल डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, या फिर आप बाहर जाते हो सन डैमेज हो जाता है, तो ये वाला फेस वॉश आपके चेहरे को ब्राइटन करने में और स्किन टोन को इवन करने में काफी हेल्पफुल है।
इसमें आपको नेचुरल फ्रूट्स एक्टिव मिल जाते हैं जो आपके चेहरे को बहुत ही प्लम्प एंड फ्रेश बनाता है। ये जो प्रोडक्ट है SLS एंड पाराबेन फ्री प्रोडक्ट है। इसमें आपको फ्रूट बेस्ड गुआवा पोटेंट एक्टिव मिल जाएगा। स्किन के पीएच को ये काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है, जो भी डार्क स्पॉट्स है उनको रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल होता है। सो दिस आई विल टोटली रिकमेंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। फॉर ड्राई स्किन आई विल टोटली रिकमेंड दिस प्योर सेंस एनर्जाइज फेस वॉश। इट्स अ ग्रेप फ्रूट रिवाइटलाइजिंग फेशियल क्लेंजिंग जेल, और ये मेरे जैसे ड्राई स्किन पे ये काफी हेल्पफुल होता है। मेरी स्किन कभी कभी कॉम्बिनेशन होती है, कभी ड्राई होती है। मैं इसे करंटली यूज कर रही हूँ एंड मुझे ये काफी पसंद आया। ये जेल बेस्ड फेस वॉश है। ये आपको 350 मिलेगी एंड 100 ml का ये प्रोडक्ट है। इसमें आपको ग्रेप फ्रूट का एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। इससे फेसियल ग्लो काफी अच्छे से आता है गाइज। अगर आपका स्किन डल और डिहाइड्रेटेड दिखता है बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन, तो ये आपके फेस को ग्लोई एंड प्लम्प बनाने में काफी हेल्पफुल होता है। इसमें विटामिन सी है जो आपके स्किन को रेडिएंट एंड ब्राइटन करता है, एंड आपके चेहरे पे जो भी कोलाजन प्रोडक्शन होता है उसे भी ये बूस्ट करता है, के चेहरे को रेजुनेट करता है। डल कॉम्प्लेक्शन को रिमूव करने में ये काफी हेल्पफुल होता है। एंड ये जो है ग्रेप फ्रूट बेस्ड फेस वॉश है, तो ग्रेप फ्रूट में आप जानते हो कि एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। वीर एज की वजह से आपकी स्किन जो डैमेज हो जाती है, डल हो जाती है, तो ये स्किन सेल्स को काफी अच्छे से रिपेयर भी करता है। सो ये मैं डेफिनेटली ड्राई स्किन वालों को सजेस्ट करूंगी। दिस इज अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड एंड दिस इज फ्री फ्रॉम SLS एंड पाराबेन। और मैं आपको अंदर में दिखा देती हूँ ये किस टाइप से दिखता है। देखिएगा, इसका पैकेजिंग मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एकदम ट्रांसपेरेंट सा पैकेजिंग है और अंदर में आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। आपके चेहरे को ये जेंटली क्लीन करता है एंड हाइड्रेट करता है। इसकी MRP है 350 rupees एंड ये आपको 100 ml मिल जाएगा। और इसका स्मेल मुझे बहुत ही प्यारा लगा, एकदम फ्रूटी सा कैंडी वाला स्मेल आता है। जेल बेस्ड क्लेंजर है, आप देख सकते हो। आप इंस्टेंटली फ्रेश फील करते हो बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। सो या गाइज, आई थिंक आपको आज के रिकमेंडेशंस पसंद आए होंगे और आपको आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश मिल गया होगा। या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।